हाय फ्रेंड्स, यारी मदद, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल ESTR। आपने कई कंट्रीज़ के बर्गर ट्राई किए होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके जाएंगे इंडियन बर्गर, द बर्गर बॉर्न इन इंडिया, जंबो के। मेट्रो स्टेशन कॉर्नर ऑफ रतन नगर, और आप देख सकते हो एड्रेस नीचे दिया गया। अभी मैं आपको मिलाता हूँ वर्सोवा जम्बो किंग के फ्रेंचाइजी ओनर से, अमित जी से। तो चलो चलते हैं। अमित जी बताइए, आपके पास क्या वेराइटीज है? सबसे पहले तो मैं आप लोग यहाँ पर आएँ, ESTR की टीम यहाँ पर आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं दिखाता हूँ आपके पास, हमारे पास इंडियन बर्गर्स और फ्राइज़ के कितने वेराइटीज़ है। आप देख सकते हैं ये मेन्यू बोर्ड हमारा लगा है, और हमारे पास 7 प्रीमियम बर्गर्स है। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहला बर्गर है कॉर्न एंड स्पिनच JK, बटर चीज़ ग्रिल, स्पाइसी मैक्सिकन, नैचोज, क्रिस्पी वेज, बिग क्रंच, मैक एंड चीज़। मैक एंड चीज़ हमारा न्यूली लॉन्च्ड बर्गर है, और ये जो बिग क्रंच बर्गर है ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग बर्गर है हमारे स्टोर का। इसके अलावा हमारे पास जो रेगुलर बर्गर्स है वो उसके 4 ऑप्शंस है, मुंबई बर्गर, ग्रिल, बटर ग्रिल और चीज़ JK। इसके अलावा हमारे पास फ्राइज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगुलर फ्राइज़, फ्राइज़ विद चीज़ सॉस, पेरी पेरी फ्राइज़ विद चीज़ सॉस, ये भी हमारे हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स है। इसके अलावा हमारे पास रैप भी है, एंड दैट इज क्रिस्पी वेज रैप, तंदूरी पनीर रैप, और थिक शेक्स है, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड ओरियो। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टी है। सभी रेडी है कस्टमर को सर्व करने के लिए, और ये हमारा ऑनलाइन ऑर्डर है। तो इस तरह से हमारा ये सर्विंग बैग है, इसमें हम एक बर्गर डालते हैं, हर बर्गर के साथ एक केचप डालते हैं और एक टिश्यू पेपर डालते हैं। इसे डालने के बाद हम इसे फोल्ड करते हैं और सेलो टेप मारते हैं। स्टेपलर का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं ताकि इसके पिन जो है ये इसके अंदर नहीं जा पाए। नाउ दिस इज रेडी टू सर्व। ये हमारा टॉर्टिला तैयार है अभी, इसके ऊपर हम अनियंस डालते हैं इस तरह से। बर्गर में जितने ऑनियन डालते हैं उससे ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें टॉर्टिला में। इसके ऊपर हम कैप्सिकम डालते हैं, कैप्सिकम के स्लाइसेस, और ये रहा तंदूरी सॉस। तंदूरी सॉस हम अच्छे क्वांटिटी में डालते हैं, जितना बर्गर में डालते हैं उससे ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें। ये हमारा पनीर पैटी है जो तैयार है, इसके हम 2 स्लाइस करते हैं। पहले दोनों स्लाइस को इस तरह से डालते हैं एक के ऊपर एक, और उसके बाद टॉर्टिला को फोल्ड करते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं कैसे ये टॉर्टिला फोल्ड हो रहा है। फोल्ड करने के बाद अब इसको हम ग्रिल मशीन में डालते हैं। ये हमारा ग्रिल मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने ग्रिल मशीन में डाल दिया। ये आप देख सकते हैं पनीर रैप अच्छी तरह से ग्रिल हो गया एकदम। और ये हमारा पनीर बॉक्स है, ये हमारा पनीर बॉक्स है, आप देख सकते हैं पनीर बॉक्स, ये सामने से ऐसा फोल्ड हो जाता है, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड होता है ताकि जब कस्टमर को सर्व करें तो कस्टमर पनीर निकाल के और इसको ऐसा तरह से फोल्ड कर सके। अभी देखिए, मैं इसमें डालेंगे पनीर, ये पनीर आप इस तरह से डल गया, ये पैक हो गया, और ये पनीर रैप रेडी है कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो गाइज़, जम्बो किंग का ये है पनीर, तंदूरी पनीर रैप,
तो मैं ट्राई करके बताता हूँ ये एग्जैक्टली कैसा है, कितना टेस्टी है। ठीक है, तो भाई ये जो पनीर मैंने अभी जो ट्राई किया वो बहुत ही टेस्टी है, और आप देख सकते हो इसके अंदर क्रंच बहुत ज़्यादा है, पनीर की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, सॉस भी अच्छा खासा डाला हुआ है, तंदूरी सॉस जो होता है वो यूज़ किया हुआ है। तो मैं तो बोलूँगा ये काफ़ी बेटर है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आप ये ट्राई कर सकते हो जंबो किंग। अभी हम मैक्रोनीज एंड चीज़ बनाएंगे। मैक्रोनीज एंड चीज़ बर्गर हमारा ये नया बर्गर है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 10 दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इस पे ये चिली एंड चीज़ मेयोनीज सॉस है, ये डालते हैं चिली एंड चीज़ मेयोनीज सॉस। इसके ऊपर हम अनियन के स्लाइसेस डालते हैं, आप देख सकते हैं अनियन के स्लाइसेस। उसके बाद हम ये कटे हुए कैबेज डालते हैं, और सबसे खास बात आप ये देख सकते हैं मैक एंड चीज़ का, ये हमारा रेड बेल पेपर है, रेड बेल पेपर स्लाइसेस के इस तरह से टिन आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रेड बेल पेपर के स्लाइसेस हम इसके ऊपर डालते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मैक एंड चीज़ बर्गर, ये हमने इस तरह से डाल दिया। मैक एंड चीज़ पैटी जो हमने फ्राई करके रेडी रखा था, ये मैक एंड चीज़ हमारा पैटी है, मैक्रोनीज पास्ता पैटी इसे कहते हैं, और ये बर्गर हमारा तैयार हो गया। इसे हम रैपर में रैप करते हैं, और आप देख सकते हैं ये मैक्रोनीज एंड चीज़ जेके का रैपर है, ये वेजिटेरियन का साइन है इस पे, और इसे हम अच्छी तरह से रैप करेंगे। ये हमने इसको रैप किया, मैक एंड चीज़ बर्गर रेडी है, मैक एंड चीज़ बर्गर रेडी है कस्टमर को सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बिग क्रंच बनाने के पहले ब्रेड वार्म हो चुका है, और इसके ऊपर हम हरीसा सॉस के टॉपिंग्स देते हैं, हरीसा सॉस हम अच्छी तरह से इसको डालते हैं सॉस इसमें। सॉस के बाद हम इसमें कटे हुए अनियंस डालेंगे, ये आपके कटे हुए अनियन डाल दिए, इसके ऊपर हम कटे हुए कैबेज डालते हैं, और ये कैबेज आपका रेडी हो गया। इसके ऊपर हम बिग क्रंच की पैटी रखते हैं, और इसे बंद कर देते हैं, ये हमारा बिग क्रंच तैयार है। इसके बाद हम इसको बिग क्रंच का हमारा रैपर है, ये हम इसको रैपिंग करते हैं, रैप करने के बाद ये बर्गर हमारा तैयार है, रेडी टू सर्व कस्टमर। ये क्रंचीएस्ट बर्गर इन द टाउन, और मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ का मैक एंड चीज बर्गर, चलो देखते कैसा है। क्रंची पन बहुत अच्छा है इसके अंदर, और जो टेस्ट होना चाहिए परफेक्ट लेवल पे है, क्रंचीनेस बहुत है इसका, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलो अभी देखते हैं मैक एंड चीज़ बर्गर कैसा है। ये फुल चीजीएस बर्गर है, और एकदम जूसी है, अगर आपको चीज़ और जूसी एक साथ पसंद है तो ये बेस्ट है। सो ये है पेरी पेरी चीज़ी फ्राइज, तो ये तो सॉस तो देख सकते हो आप, पेरी पेरी डाला है, सॉस भी मस्त डाला है, ट्राई करते हो। लाजवाब टेस्ट है भाई इस चीज़ का, ये ना आपको पेरी पेरी का टेस्ट बहुत अच्छे से दे रहा है, इसकी फ्राइज भी ज़्यादा ऑयली नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, ये भी काफ़ी बेटर है। चलो कस्टमर के रिव्यूज भी ले लेते हैं तो उनको कैसा लगता है। आप क्या खा रहे हो? सब बिग क्रंच बर्गर। ओके, आई एम कम टू जम्बो किंग वसोवा, एंड इट इज़ वेरी क्रंची एंड वेरी टेस्टी। ओके, आप पहले आए हो जम्बो किंग? हाँ, पहले भी आया हूँ, एंड दिस इज माई फेवरेट बर्गर फ्रॉम जम्बो किंग। ट्राई किया मैंने यहाँ पे, चॉकलेट शेक पिया था। आपको कैसा लगा? मेरे को ऐसा लगा, मैं बताता हूँ, मैं और रेस्टोरेंट्स पे भी और बर्गर आउटलेट्स पे भी शेक पीता हूँ, और उनके मुकाबले बहुत मतलब चीप है और बहुत टेस्टी लगा। हाँ मतलब एक्सीलेंट। थैंक यू। थैंक यू। है यहाँ की सॉफ्टी, मिक्स सॉफ्टी है, वैनिला और चॉकलेट दोनों, तो ये भी ट्राई करते हैं।
इनका जो वेनिला का टेस्ट है ना वो भाई मैकडॉनल्ड से भी अच्छा लगता है मेरे को। चॉकलेट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तीन टाइप की सॉफ्टी अवेलेबल है यहाँ पे, एक है चॉकलेट, वेनिला और तीसरा है मिक्स जो मैंने लिया है। हमारी जर्नी जंबो किंग 7 बंगलोस की, अगर आपको भी आपकी एक जर्नी बनाना है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप बहुत बोर हो गए रहेंगे फॉरेन के बर्गर खा खा के, आपको इंडियन बर्गर ज़रूर ट्राई करना चाहिए और यहाँ की पेरी पेरी फ्राइज एकदम बेस्ट है, वो तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये जोमेटो और स्विगी दोनों पे अवेलेबल है। आप इनको यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉल करके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी होम डिलीवरी मंगा सकते हो, ये लोग की खुद की सर्विस है। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अमित जी को जो यहाँ के फ्रेंचाइजी ओनर है, इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, हमें बहुत अच्छे से वीडियो बनाने दिया। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम ESTR को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत कड़ी मेहनत की है, सुबह से वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको ये बता दें ESTR का फुल फॉर्म है ईट स्लीप ट्रैवल रिपीट। ये लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, मुंबई में बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं, आप इनके वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने नए नए सब्सक्राइब किए प्लीज़ बेल आइकन भी दबा देना। ESTR काली मदद, नमस्कार और खुदा हाफिज़ के साथ होता है वीडियो यहाँ पे ख़त्म।